सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर झूमाझट्टी हुई। काफी देर तक चले हंगामे के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, तब कहीं जाकर यह आंदोलन खत्म हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन किया है। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सतना नगर निगम से लेकर देश की संसद तक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा सामाजिक जनहित के मुद्दों को दबाकर मन मुताबिक काम किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज कांग्रेसियों ने ये प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। आज का जो प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ, लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, सतना नगर निगम से लेके भारत की संसद तक जिस तरीके से लोकतंत्र का खिलवाड़ बनाया जा रहा है, सत्ता पक्ष द्वारा लगातार सामाजिक और जनहित के मुद्दों को दबाकर मनमाफिक निर्णय लिए जा रहे हैं, वो उसके खिलाफ उसके विरोध में आज ये हमारे नगर निगम के पार्षद साथी और यूथ कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों ने मिलकर ये विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज भाजपा कार्यालय घेराव का प्रयास किया गया था, जिनको रास्ते में रोका गया और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उनका प्रदर्शन था, जिनको रोक कर गिरफ्तारी की गई है। लगभग 100 के आसपास पुलिस, लगभग 50 के। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए थे? सारे इंतजाम थे, उनको तालाबंदी करने से रोकने के लिए जो भी सुरक्षा के वैकल्पिक संसाधन थे इस्तेमाल किए।